ठीक है, 5 to 11% स्टैंड ले ले रही हूँ, 5% से 11% तक चलोगे अपनी जगह पर खा जाए, वाह जरूर खा लेनी चाहिए। उसके बाद पहला लेवल होता है बिजनेस का, जिसे हम कहते हैं ब्रांच डायरेक्टर, जिसकी छोटी मोटी टीम होती है और बिजनेस ग्रो होता है। मैं इन्वाइट करता हूं ऑल द ब्रांच डायरेक्टर ऑन टू द स्टेज। ऑल द ब्रांच, ओके नेम और प्रोफेशन प्लीज। नाम मोहम्मद खलील और एक कार मैकेनिक हूँ। नाम से पहले मैं तकबीर, मैं पहले डॉक्टर का बिजनेस कर रहा हूँ पैसिव इनकम करते, और मैं अपनी लाइफ टाइम चेंज करने से और अपने आप को पहचानने से मैं ये बिजनेस कर रहा हूँ। थैंक यू। वेरी गुड। एंकर ट्रैवल बैंक एम्प्लॉय मोहम्मद अब्रार, पैसिव इनकम के लिए काम कर रहा हूँ, सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ। गुड इवनिंग, नाम सैयद नईमुद्दीन है और प्राइवेट एम्प्लॉय। मेरा नाम मोहम्मद कासिम है, मैं ऑटो चलाते हुए इस बिजनेस को पार्ट टाइम में कर रहा हूँ, मैं पैसिव इनकम के लिए कर रहा हूँ। मेरा नाम बलराम धोनी है, मैं पुणे से हूँ, मैं टेकिंग काम करता हूँ। मेरा नाम शिंदे बालाजी है, मैं कैब ड्राइवर हूँ, फैमिली के लिए और हेल्थ के लिए इसमें अपॉर्चुनिटी एक्सलेंट से काम कर रहा हूँ। गुड मॉर्निंग लीडर्स, आई एम परी, माय नेम इज श्रीनिवास, मैं बस कंडक्टर हूँ। నా పేరు రవి అండి, నేను పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్లో కానిస్టేబుల్ పనిచేస్తున్నాను, ఈ బిజినెస్ ప్యాషనెంట్గా బిల్డ్ చేస్తున్నాను అండి, థ్యాంక్ యూ। గుడ్ మార్నింగ్, మేరా నామ్ ఆయిషా ఖాతున్ హై, మే ఏక్ హౌస్ వైఫ్ హూ, అప్నే ఔర్ అప్నే టీమ్ కే సప్నే పూరే కర్నే కే లియే మేనే కామ్ కర్ రహీ హూ। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम रिजवाना है, मैं बीरमगोड़ा BHL से हूँ, मेरा मैचिंग सेंटर शॉप है, पार्ट टाइम में जॉब कर रही हूँ। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम आदिता बेगम है और मैं एक हाउस वाइफ हूँ, और मैं ये मेरे ड्रीम्स फिल करने के लिए पार्ट टाइम जॉब कर रही हूँ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, हमारा नाम स्वाति है, हम बरगी से आए और हम थैंक यू। ओके नेक्स्ट ऑल द गोल्ड सिटी गोल्ड डायरेक्टर सिल्वर डायरेक्टर। ओके ऑल सिल्वर डायरेक्टर all the silver directors and gold directors, both on to the stage please, silver and gold। नेम प्रोफेशन। गुड आफ्टरनून फ्रेंड, मैं चाहता हूँ एक बार हमारे कमालुद्दीन सर के लिए एक बार जोरदार क्लैप हो जाए।
प्रशांत सर के लिए भी एक बार जोरदार क्लैप हो जाए, क्योंकि ये प्रेजेंटेशन देने के लिए कितना फीस हो सकता है इसका हम अंदाजा नहीं लगा सकते, लेकिन कमला जी से हमारे सबको एक फिल्म इतना जबरदस्त प्रेजेंटेशन एक बार जोरदार, ये क्लैप तो बस में होते माय डियर फ्रेंड्स। नहीं 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 प्लीज, थैंक यू। मेरा नाम बालाजी है, मैं एक ऑटो सेल्फ एम्प्लॉय हूँ, मैं पार्ट टाइम एक बिजनेस को बहुत पार्टनरशिप फील कर रहा हूँ, थैंक यू। मेरा नाम अवंग है, मैं सेल्फ एम्प्लॉय हूँ। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मोहम्मद रौफ है, मैं सेल्फ एम्प्लॉय हूँ, अपने ड्रीम्स के लिए बिजनेस बिल्ड कर रहा हूँ। थैंक यू। नेक्स्ट गोल डायरेक्टर सॉरी सिल्वर फॉर लीडर्स, नेनु म्युनिसिपल एम्प्लॉय लीडर्स, जो पब्लिक को काफ है जिसके लिए काफ होते हैं, थैंक यू आई विश यू। थैंक यू। नाम मोहम्मद एजाज, एक प्राइवेट एम्प्लॉय हूँ, एक्स्ट्रा इनकम के लिए बिजनेस बिल्ड कर रहा हूँ। नमस्कार, నా పేరు సత్యం, నేను పరిగి నుండి రావడం జరిగింది, ఈ బిజినెస్ లోకి ఫ్యామిలీ కోసం రావడం జరిగింది। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, मेरा नाम हनुमंत है, परगी से। ट्रेडिशनल मार्केट में ऑलरेडी है, ट्रेडिशनल मार्केट ऑलरेडी चालू है, फिर ये डायरेक्ट सेलिंग, ये पहला ये भी डाउट था। हम प्रोडक्ट चेंज करते, इंसान नहीं चेंज होते, ये ऐसा दर है, ऐसा भी वेस्टीज विनिंग टीम ऐसा दर है, हम कौन सा भी सपना इस दर से पूरा कर सकता है, ऐसा दर है। एक शब्द बोलना चाहता हूँ, किसी का जल्दी बनेगा, किसी का लेट बनेगा, इस दर पर आने वाला एक दिन सेठ बनेगा, क्या ऐसा दर आप भी आए तो आपका भी सपना है पूरा हो सकता है। थैंक यू। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम राहुल पाठक है, मैं एक सेल्फ एम्प्लॉय हूँ, थैंक यू। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मेरा नाम मोहम्मद अली, बिजनेस की पैशनेटली बिल्ड कर रहा हूँ, और मैं पहले सेल्फ एम्प्लॉय था, ये बिजनेस मैं अपने सपनों के लिए कर रहा हूँ, जॉब में मेरे सपने पूरे नहीं हो रहे थे, बिजनेस अपने ड्रीम्स के लिए कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ आप लोग भी एक अच्छा रीजन लिए, थैंक यू वेरी मच। पीछे गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मेरा नाम जंगाया है, बिजनेस वचन तरह 3 इयर्स अभी ఇక్కడ నుంచి కాల్ అచీవ్ చేయడం జరిగింది, నేను క్యాషింగ్ నో కోసం వచ్చాను, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ మా గ్రేట్ లీడర్ ఈరోజు కాల్ అనుభవి చేయడం కోసం, మనస్ఫూర్తిగా అందరినీ ఆహ్వానించడానికి థ్యాంక్ యూ విసిట్ అయ్యి। जहाँ से आपको कार फंड भी मिलता है, ट्रैवल फंड भी मिलता है, अब नेक्स्ट लेवल है जिसे हम डायमंड डायरेक्टर कहते हैं, डायमंड ही बोलते हैं। ओके तो मैं इन्वेस्ट करता हूँ ऑन द डायमंड डायरेक्टर। Yeah।
देखो भाई भाई नेम बैकग्राउंड वन है ओके ये हैदराबाद के नगीने हैं ठीक है पहले आप में अरे भाई टाइम टाइम ठीक है टाइम की कमी है रनिंग टाइम तो मैं चाहता हूँ कि नेम इंपैक्ट छोटा सा स्टेटमेंट दें और एक मिनट के अंदर एक कपल के लिए है ओके हरी मैम माय नेम इज सारा खान मैं एक होमिंग का लोग हूँ ये बिजनेस करने का रीज़न मेरे बहुत सारे ड्रीम्स हैं मैं उनको करना चाहती हूँ एंड और एक चीज़ बोलना चाहूँगी मैं मेडिकल बैकग्राउंड से भी रह चुकी हूँ तो यहाँ पर कई सारे ऐसे हेल्थ केयर सेशंस होते हैं जिस पे लोगों को क्योर हो रहा है एंड मैं वो हेल्थ केयर सेशंस भी ले रही हूँ तो थैंक यू सो मच गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू नाम है मैं अली खान बेसिकली लास्ट जॉब रहा बैंकिंग का और मैं और मेरी वाइफ मिलके ये बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं दोस्तों जो हम हमारे बच्चे या हम हमारी जो लाइफ में जो सैक्रिफाइसेस किए हैं क्या हमारे वो बच्चों को वही देना चाहते हैं क्या चाहते तो नहीं है मगर देख के वही जाते हैं क्योंकि वही काम करते रहेंगे तो वही मिलेगा जो अब तक मिलते आया कुछ काम हटके करेंगे तो वो मिलेगा जो आप चाहते हैं राइट तो ये अपॉर्चुनिटी यूनिक अपॉर्चुनिटी है जहाँ पे कुछ लगाना नहीं है बट शुरुआत में कुछ ऐसे मुश्किल दिखे इसमें कि ये कैसा करें वो कैसा करें उसके लिए हमारे पास में एक एजुकेशन सिस्टम है वेरीटी वो सिस्टम की बदौलत और अप्लाइंग की हेल्प की बदौलत आज डायमंड डायरेक्टर क्वालिफाई कर चुके हैं और आगे और लेवल पे भी जाने वाले हैं थैंक यू सो मच गुड इवनिंग मेरा नाम अब्दुल रशीद है और बाई प्रोफेशन मैं जर्नलिस्ट हूँ और इस प्रोजेक्ट को करने का मकसद ये था कि मैं एक ऑर्डिनरी आदमी हूँ लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेरे ड्रीम्स हैं और वो ड्रीम्स को फुलफिल करने के लिए बाहर की दुनिया में कोई और ऑप्शन नज़र नहीं आया इस प्रोजेक्ट को जब खरीद से देखा और समझा समझने के लिए मुझे 2 साल लगे राइट हो सकता है आपको इस मीटिंग में समझ में नहीं आए आप जो बंदा आपको बुलाया है उसके साथ बैठिए और उसको बोलने दीजिए आप उससे समझने की कोशिश कीजिए फिर जाकर के समझ में आएगा और जब आपके समझ में आ जाएगा तो 1 साल के अंदर अंदर आपके पास बहुत सारा पैसा होगा आप ट्रैवल कर सकते हैं जैसा हम मार्च के महीने में घूमने जा रहे हैं हमारे 12.5 लाख रुपये की कार आ रही है आपकी भी आ सकती है बेहतरीन घरों में आप रह सकते हैं आप जो प्रोफेशन में है ना वहाँ पर आप बहुत तजुर्बा रखते हैं लेकिन बावजूद उसके आप बहुत ज़्यादा कामयाब नहीं हैं क्योंकि वहाँ पर आप अपनी जिम्मेदारी से काम कर रहे हैं अपना दिमाग लगाए हैं अपना तजुर्बा लगाए हैं लेकिन यहाँ पर बिल्कुल उसके बरअक्स है यहाँ पर जो फ्रंट रो में बंदे बैठे हैं ये आपको इस बिजनेस का तजुर्बा देंगे फ्री में आपके साथ आपकी मदद करेंगे आपकी ड्रीम्स फुलफिल करेंगे क्या आप अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं yes. अगर चाहते हैं ना तो अपने आप पे एक एहसान कर लीजिए खामोश बैठकर जो बंदा बुलाया बोलिए भैया क्या करना है बोलिए ऐसे ही मैं जो बंदा मेरे को बुलाया था उनको जब उन्होंने मर्सिडीज लिए थे तो मैं बोला भैया क्या करना है बोलो वह बताने गए और 1 साल के अंदर अंदर मेरी जिंदगी बिल्कुल बदल गई है थैंक यू सो मच नेक्स्ट कपल सर लेडीज फर्स्ट गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स मेरा नाम कुशिजा है मैं एक हाउसवाइफ हूँ साथ ही साथ हम लोग दोनों मिलकर पाया है पार्ट टाइम में बिजनेस कर रहे हैं बैचलर्स की इसलिए करना है गवर्नमेंट जॉब पे है लोग फिर भी हम लोग को वो इनकम कुछ भी नहीं मिलती जो इनकम हम लोग यहाँ पे कमा रहे हैं वो 12 साल से नहीं कमा रहे थे यहाँ पे कमा नहीं हुआ जो सपने वहाँ से पूरे नहीं हो रहे थे यहाँ से पूरे हो रहे हम लोग फर्स्ट टाइम कमल भाई की मीटिंग सुने थे सुन के तो बहुत अच्छा दिखा यकीन नहीं हो रहा है लेकिन देखते देखते आप सबको यकीन आएगा और हर कोई कर सकता है ये हम लोग पहले 2 लाख की गाड़ी लेना सोचते थे 1
थैंक यू सो मच। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मोहम्मद इरशाद है और माय प्रोफेशन मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, पुलिस कांस्टेबल हूँ और साथ ही साथ पार्ट टाइम में फ्री टाइम में ये बिजनेस में मैं मेरी वाइफ की हेल्प कर रहा हूँ। दोस्तों, आज कितने लोगों को यकीन हुआ? ओके, ग्रेट, वंडरफुल, आप लोग लकी हैं क्योंकि आप लोगों को पहली बार नहीं समझ में आ गया। मैं जब मीटिंग अटेंड कर रहा था तो मुझे जब बोला जा रहा था तो दो महीने में नेगेटिव था, इसके पीछे बहुत रिसर्च किया हूँ। दो महीने रिसर्च करने के बाद में आप लोगों की तरह एक मीटिंग में गया, पूरी मीटिंग सुनने के बाद में वहाँ पर कुछ बिलीव तो नहीं हुआ लेकिन सिर्फ एक उम्मीद थी, जिसकी वजह से मुझे तीन बातें समझ में आई। जहाँ पर मुझे पहली बात यह समझ में आई कि यहाँ पर हमको कोई पैसा इन्वेस्टमेंट करना नहीं है। बाहर अगर हम कुछ काम कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, तो वहाँ पर हमको लाखों रुपया महीना इन्वेस्टमेंट करना पड़ता और दूसरा एक मेंटल टेंशन रहता वो चलेगा या नहीं चलेगा मुझे। लेकिन यहाँ पर हमको कोई पैसा इन्वेस्टमेंट करना नहीं है और उठा हम यहाँ से लाखों रुपया महीना कमा सके, ये मुझे पहली बात समझ में आई। और दूसरी बात मुझे ये समझ में आई कि आज हम जो भी काम कर रहे हैं वो हमारी जिंदगी में लगे हुआ है। आज देखिए, इंसान मरते दम तक काम को जा रहा है और शाम होने घर में धक्के आके सो जा रहा है, उसकी जिंदगी ऐसी चले जा रही है। तो मैं जब बिजनेस प्लान देखा तो मैं दिन में ये सोच लिया मुझे मरते दम तक काम करना नहीं है, मेरे को सिर्फ 3-4 साल मैक्सिमम 5 साल के बाद फ्री हो जाना है और जो भी हमारी बची बची जो जिंदगी है उसको जबरदस्त तरीके से एंजॉय करना है। ये मेरे को दूसरी बात समझ में आई। और तीसरी बात मेरे को ये समझ में आई कि आज हमको कुछ हो जाता है तो हमारी फैमिली को कौन देखेगा, क्या होगा हमारी फैमिली का, हमारे बाद हम अपने फैमिली के लिए क्या सिक्योरिटी छोड़ के जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर प्लान देखने के बाद में इतना मैसेज मुझे अच्छा लगा कि अगर हम नहीं भी रहे तो हमारे बाद लाखों रुपया हमारे फैमिली के लिए आते रहता है ऐसा नो जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी अच्छा है। ये तीन बातें मेरे को समझ में काम स्टार्ट किया और मैं आज 15 साल हो चुके हैं गवर्नमेंट जॉब करते हुए, वहाँ से जो मुझे सैलरी आ रही है वो है 60,000 रुपीज और ये बिजनेस को मैं डेली 2-3 घंटे जितना भी मुझे फ्री टाइम मिलता है वो फ्री टाइम में मैं इसमें काम कर रहा हूँ और यहाँ से जो मेरा हाइएस्ट पे आउट है वो है करीब 1,00,000 रुपये और मेरे पास में एक 2-व्हीलर बाइक है जो लगभग 13-14 साल से मैं सेकेंड हैंड बाइक चला रहा हूँ। मैं कभी लाइफ में जाके 2-व्हीलर शोरूम से नहीं गया, चाह तो ले सकता था, गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ लेकिन है सेकेंड हैंड गाड़ी चल रही चले तो उनकी सेकेंड हैंड गाड़ी चला देते हैं। लेकिन यहाँ पर इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म मिलने के बाद जो भी सीनियर आपके जो क्लाइंट्स हैं जिलों पर भी आपको यहाँ पर बुलाया है, सबसे पहले आप उसका शुक्रिया अदा कीजिए जिसने मुझे बिजनेस में बुलाया था। आज वो शख्स की मदद से, ग्रीन टीम एजुकेशन सिस्टम की वजह से, इन हमारे जो भी क्लाइंट्स हैं उन सब लोगों की मदद से मैंने यहाँ से 1.5 साल पहले 23 लाख रुपये की MG Hector कार भी ले चुका हूँ। तो आज से 3 साल पहले हमारी सोच भी नहीं जाती थी कार लेने के बारे में, हम बोलते थे हम ऐसे कौन से बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं जो कारों में भी नहीं गए, अगर उतना इंपॉर्टेंट है इमरजेंसी है तो कैब बुक करके चले जाएंगे बोल के सोचते थे, हमारी सोच सिर्फ वहीं तक थी। लेकिन ये बिजनेस में आने के बाद हमारी सोच भी बदल गई, ये बिजनेस में इतना बड़ा पोटेंशियल है आप सोच भी नहीं सकते, आप जितना बड़ा सोच सकते हैं सोचिए, पैसा, गाड़ी, बंगला, सोना, हर एक चीज़ आपको मिलने के लिए पॉसिबल है लेकिन उसकी कुछ कीमत अदा करना पड़ता है आपको। उसकी कीमत क्या है मालूम है? थोड़ा सा पेशेंस और मैसिव एक्शन, एक जोश, एक जुनून, सिर्फ यही इसकी कीमत है। अगर आप इसी कीमत चुका देंगे तो आगे हमारी बहुत ही जबरदस्त जिंदगी हमारा इंतजार कर रही है। क्या आप जिंदगी बदलना चाहते हैं? Yes! तो जबरदस्त एक फैसला लीजिए, आप यहाँ पर अकेले नहीं है, ये पूरा टीम वर्क है, हम सब लोग आपके साथ में है, तो हम सब लोग मिलकर आपके सपने पूरे करने के लिए आपके लिए काम करेंगे। विदिस, थैंक यू सो मच। गुड इवनिंग, हेलो, नाम शकील खान है, काम कर रहा हूँ क्योंकि इसमें अपने सपने पूरे हो रहे हैं और साथ में अपने टीम के भी। जब आए थे फर्स्ट टाइम थोड़ा सा टफ था समझना लेकिन हकीकत बताया गया था मीटिंग में, एक बार आप हकीकत जान लो कि आप हो क्या, मान लो आप क्या कर रहे हो उससे जिंदगी बदल सकती है क्या, एक बार मान के देखो। वो मानना बहुत मुश्किल होता है कि अपने आप में हम कहाँ जा रहे हैं और जॉब करते हैं तो कहाँ तक जाएंगे, वो चीज़ समझ में आई मीटिंग के बाद में। स्टार्ट करें बहुत ही पैशनेटली और 1.5 साल में यहाँ से 14 लाख की किया सोनेट कार अचीव कर चुके हैं। हमारे साथ हुआ है, आपके साथ भी हो सकता है, स्टार्ट करिए, हम आपके साथ है, पूरा सिस्टम आपके साथ है, पूरी टीम आपके साथ है जो आपको हेल्प करेगी, गाइड करेगी, बताएगी। विद दिस थैंक यू सो मच, विश यू वेल। ओके, इसके बाद हम इनवाइट करते हैं ब्रांड न्यू टाइम। इनको रिकॉग्नाइज करने के लिए मैं इनवाइट करता हूँ अजहर भाई और जमाल सर ऑन टू द स्टेज प्लीज। थैंक
Good afternoon. नाम मोहम्मद भैया से इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट में जॉब करता हूँ। फिर भी यहाँ पर जो है एक्स्ट्रा इनकम के लिए जो है ना बिजनेस को पैशनेटली बिल्ड कर रहा हूँ। जब भाई प्लान सुना था यहाँ तो आप लोग बड़ी महफिल में हैं, मैं जो है घर पर था, हमारे सर जो है ना बुलाए थे, हमारे अदर सर प्लान बता रहे थे और हमारे विशाल सर थे, तो जब जो है सारी चीज़ें देखा मतलब इतने सारे जो है ना इनकम लाखों की जो बताए थे ऐसा कैसा लाखों की इनकम आ सकती, तो मगर फिर भी जो है इसके पीछे जो है ना रिसर्च करा, मालूम करा, तो कई सारे पॉजिटिव तरीके से लोग भी मिले और कई सारे नेगेटिव तरीके से भी लोग मिले। लेकिन अगर मैं पॉजिटिव तरीके के लोगों को सुना, नेगेटिव लोगों को अगर सुनता था तो यहाँ पर नहीं होता था। यहाँ पर देखिए आप प्लान सुने हैं यहाँ पर आके बैठकर, तो आप ही जाइए, आप ही सर्च करिए, तो आपको भी नेगेटिव लोग मिलेंगे, आपको भी लोग जो है वो सारे मिलेंगे, मगर आपका फैसला आप लेने वाले yes. आपका फैसला आप लोगों के ऊपर अगर डालेंगे तो यहाँ पर पूरी जिंदगी लोगों के ऊपर डाल देना पड़ता, तो यहाँ पर जो है आपका फैसला लीजिए। तो और देखिए ये यहाँ से जो है ना सपने पूरे होते नहीं, हो रहे हैं, बोलते क्यों हो रहे हैं सपने, तो इसीलिए जो है ना आप भी फैसला लीजिए और अपने सपने पूरे करिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। इसके बाद हम रिकॉग्नाइज करेंगे ब्रांड न्यू कपूर और कार अचीवर प्रशांत सर बाय अजहर सर, कमाल सर एंड जमाल सर, तीनों। డైరెక్ట్ వై ప్లాన్ చెప్తే సారోలే నాకు ఫోన్ చేసిండు, నాకు గ్రూప్ లో ఫోటో చూసి
చేసిండు ఒకసారి ఫ్లేవర్ మీరు అంటే సత్తర్ సార్ అండ్ అజర్ సార్ ఫోన్ చేసిండు ఫోన్ చేసి సార్ అట్లా ప్లాన్ చెప్పొద్దు మీరు ఒకసారి రండి అంటే మళ్ళీ అప్పుడు సార్ వాళ్ళు ప్లాన్ చెప్పిండ్రు అప్పటి నుంచి మళ్ళీ నేను చెప్పుకుంటా చెప్పుకుంటా పోయినా ఎందుకంటే సక్సెస్ డ్రీమ్స్ ఎవరంటే మనవి అవునా కదా పని ఎవరు చేయాలంటే అప్లైన్ చేయాలి అవునా కదా ఒక్కసారి ఆలోచించండి పని కూడా మనం చేయాలి మనం చేస్తేనే సక్సెస్ అవుతాం ఎప్పుడైతే మనం ప్లాన్ చెప్పుడు మనం స్టార్ట్ చేస్తామో అప్పుడే మన సక్సెస్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది ఎప్పటిదాకా అయితే పని మనం మొదలు పెట్టామో అప్పుడే స్టార్ట్ అవుతుంది అవునా కదా ఓకే నేను ఈ బిజినెస్ కన్నా ముందు మస్తు క్యాబ్స్ ఉండే కానీ వేరే వాళ్ళ కోసం ఎయిర్పోర్ట్ పోతుండే అక్కడ పోతుండే ఇక్కడ పోతుండే నేను ఎక్కడన్నా పోతే బైక్ మీద పోతుండే అన్ని కావాలంటే లాభం లేదు ఎందుకంటే అవి ట్రాన్స్పోర్ట్ కోసం ఈ బిజినెస్లో మెయిన్ నా ఫ్యామిలీ కోసం నేను ఈరోజు కార్ కూడా అచీవ్ చేయడం జరిగింది దాంతోపాటుగా ఈ బిజినెస్లో మెయిన్ నేను ఎందుకు వచ్చినంటే టైం ఫ్రీడమ్ అండ్ ఫైనాన్షియల్ సెక్యూరిటీ కోసం నేను ఈ బిజినెస్లోకి వచ్చిన అవి రెండు నాకు ఇక్కడ చాలా అద్భుతంగా నచ్చినాయి కాబట్టి మేము దానికోసం వచ్చిన ఆల్రెడీ ఈ సంవత్సరంలో మన నా టీం నుంచి ఖచ్చితంగా 6 కాళ్ళు నేను కమిట్మెంట్ తీసుకొని వర్క్ చేస్తున్నాను ఓకే ఒకటే గుర్తు పెట్టుకోండి మనకి బిజినెస్లో ఎవరైతే మీరు తీసుకొచ్చిండ్రో వాళ్ళు చేయి పట్టుకొని 1 to 2 years నిలబడాలి ఇది ఏదో ఒక్కరోజు 2 రోజులు అయ్యే బిజినెస్ కాదు కానీ సైకిల్ కూడా తొక్కలే నేర్చుకోండి ఈ బిజినెస్ కూడా నేర్చుకోవాల్సి వస్తుంది నేర్చుకుంటూ మన అప్లయన్స్ ఎంబడి మనం డైలీ ఉంటే ఆటోమేటిక్గా మనం సక్సెస్ అవుతాం మీరు ఒక్కసారి నాకు బిజినెస్లో అప్లయన్స్తో గ్యాప్ ఉంటే 100% మనకు చెక్ డౌన్ అవుతుంది నాకు ఈ బిజినెస్లో అర్థమైంది ఏంటంటే ఎప్పుడు మీ అప్లయన్ ఫోన్ కోసం వెయిట్ చేయకండి మీరు డైలీ అప్లయన్స్తో ఫోన్ చేసి మాట్లాడండి ఖచ్చితంగా మీ బిజినెస్ గ్రోత్ అవుతుంది మీరు ఒక్కసారి ఆలోచించండి మనం ఏ డౌన్లైన్తో ఎక్కువ తిరుగుతుండమో ఆ డౌన్లైన్ బిజినెస్ చాలా ఎక్కువ అవుతుంది ఎప్పుడైనా మన నేను అందుకే పొద్దున్న లేస్తే పొద్దుకి నాకు అదర్ సాంగ్స్తో ఎప్పుడు రోజు ఫోన్లో మాట్లాడుతూనే ఉంటాను ఎందుకంటే వాళ్ళ నుంచి మనకు మంచి ఎనర్జీ వస్తుంది ఓకే ఇంకా మనకు టైం లేదు కాబట్టి క్లోజ్ చేసుకుందాం ఎందుకంటే టైం అయ్యేది 1 మినిటే ఓకే థ్యాంక్ యూ బ్యాక్ టు ద హోస్ पैसा कैसा कमा सकते हैं इतना पैसा कैसा आता है शायद किसी को आए या नहीं आए मेरे को पता नहीं बट मुझे तो नहीं आया था 3 महीने तक हाथ को नहीं लगा प्रेजेंटेशन देखे के बाद 3 महीने के बाद जब ऑनलाइन का चेक देखा 33,000 तो थोड़ा बिलीफ आया अगर इनको आया तो मेरे को 10,000 भी आ गए तो घर पर मिल गया काम स्टार्ट करा 1.5 साल के अंदर मेरी इनकम 63,000 हो चुकी थी और मैं वहाँ से 12 लाख की होंडा वेन्यू मैंने खरीद चुका था दोस्तों मैं वेंडिंग की दुकान करीबन 15 से 20 साल से चला रहा था मगर कभी बाइक चेंज करने का सोचा भी नहीं था 1.5 साल में इसके अंदर मैंने एक कार खरीदी और रफ्ता रफ्ता बढ़ते गए आज मेरी टीम में 8 से 9 कार लोग अचीव कर चुके हैं देखिए दोस्त ये बस एक डिसीजन का बिजनेस है हमेशा बोलता हूँ अगर आप चाहते हैं आप कामयाब होना है तो आपको आज डिसीजन लेना होगा आप आज लिया हुआ डिसीजन आपको मैं बता रहा हूँ आप
सक्सेस होगी, राइट। दो ही चीज होगा, जैसा कमाल सर ने बताया, आपसे बिजनेस होगा या नहीं होगा। अगर नहीं हुआ तो कुछ नुकसान नहीं है, अगर हो गया तो दोस्त आपकी भी कार बाहर अनवील हो सकती है, जैसा आज हो रही है, राइट। थैंक यू वेरी मच, विश यू वेल। गुड आफ्टरनून एवरीवन। First, my better half. Good afternoon, everyone. Good afternoon. मेरा नाम हस्ती अंजुम है, मैं बाई प्रोफेशन मैं एक टीचर हूँ और मैं अपने हस्बैंड के साथ मिलकर ये बिजनेस बिल्ड कर रही हूँ। और मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि रोज़ाना मॉर्निंग में CET सेशन रहता है हमारा 8 बजे से 9 बजे तक, वो अटेंड करिए, वो इस बिजनेस की ग्रोथ है। थैंक यू वेरी मच। मेरा नाम मोहम्मद असद है और माई प्रोफेशन एक स्कूल का प्रिंसिपल हूँ और सभी लोग चाहते हैं कि अच्छी तालीम हासिल करें और अच्छी अंग्रेजी सीखे तो अच्छी जॉब मिलती, ज़िंदगी आसान होती। ये बिल्कुल कुछ हद तक सही है, काफ़ी हद तक बिल्कुल गलत बात है। ये बिजनेस अगर ज़िंदगी कामयाब सिर्फ सपनों से होती है वो वेस्टेज में आने के बाद पता चला। तो मैं पार्ट टाइम बिजनेस को बिल्ड करता हूँ, मेरे स्कूल्स है और पार्ट टाइम बिजनेस को बिल्ड करता हूँ। यहाँ पे हेल्थ वेल्थ और हैप्पीनेस है। थोड़े ही समय में हमने भी एक अच्छी कार, अच्छी इनकम हासिल की है, इसे आप सब लोग इसे ये सारी चीज़ें हासिल कर सकते हैं। विच इज़ थैंक यू वेरी मच, विश यू वेल। ओके, मेरा नाम अब्दुल सलीम है, मैं भी इसी जगह इसके बाद नेक्स्ट लेवल है, डबल क्राउन डायरेक्टर। मैं इन्वाइट करता हूँ आज डबल क्राउन डायरेक्टर्स ऑन द स्टेज। Yes. तो वो बातें मुझे समझ में आई। तीसरी बात यही बताए कि ये एक
अच्छी, हजारों की किस्मत अच्छी है हमारी बुरी, सोच के देखिए। तो जब इन्होंने ये बोले, बोले कि सिस्टम है, कुछ काम कर रहा है, उन्होंने कुछ काम किया, कुछ मेहनत की, तभी जाके वो लोग वो मंजिल पर पहुंचे हैं। अगर मैं भी वही सिस्टम फॉलो करूंगा तो मेरे भी वही ड्रीम्स पूरे हो सकते हैं जिस तरह वो लोग के हुए। तो यकीन मानिए, जब तीनों चीज में मेरे को कोई भी नुकसान नहीं दिखा और ये दिखा, फिर पूछे कि अगर मैं ये अपॉर्चुनिटी पे काम ना करूं तो क्या तुम्हारे पास कोई और अपॉर्चुनिटी है? डू वी हैव नो, नहीं है। तो मैं यही बोली थी कि आप स्टार्टअप लीजिए, अगर ऐसा पूछूंगा 1 लाख के ऊपर की इनकम आएगी तो मैं भी बराबर बिजनेस में आऊंगी। 1 लाख तो छोड़िए, आज अल्हम्दुलिल्लाह काफी सारी अच्छी इनकम आ रही है, कार ले चुके हैं, फॉरेन ट्रिप्स जाके आ चुके हैं। तो खाली बात यही है कि बिलीव की बात है, हर कोई इस पे बिलीव कर सकता है, बशर्ते कि वो अपने आप के ऊपर पहले बिलीव करे कि वो मेहनत कर सकता है, कमिटेड रह सकता है, डेडिकेटेड रह सकता है। विद दिस थैंक यू वेरी मच, विश यू वेल। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मेरा नाम सैयद कमालुद्दीन है और बाय बैकग्राउंड मैं एक ट्रेनर रह चुका हूँ। मेरा इंट्रोडक्शन मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ और इस बिजनेस से हमारे सपने पूरे हुए हैं। हमने लगभग 5 साल हो चुके हैं हम पूरे बिजनेस स्टार्ट करके और 5 साल में काफ़ी सारे लोग हमारी ज़िंदगी में आए, नए नए दोस्त बने, काफ़ी बड़ी टीम बनी और मैं प्राउड फील करता हूँ जो हमारी टीम है। आज लीडर्स को देख करके खुशी हो रही थी, कई लोग हम पर बिलीव नहीं करे, आज जितने लोगों को आप स्टेज पे देख रहे हैं सपने पूरे होते रहे, ये वो लोग हैं जो हम पे बिलीव किए और मैं उनके लिए ग्रेटफुल हूँ जो बिलीव किए हमारे साथ। और जो लोग नहीं बिलीव किए आज भी कुछ नौकरी कर रहे हैं, कुछ परेशान हैं, कुछ वगैरह वगैरह। एनीवेज, तो ये बिजनेस में सपने पूरे होते हैं, आपके भी होंगे। कार आ सकती है, हमारी मर्सिडीज बेंज आ गई जो 55-60 लाख रुपए की गाड़ी है। मेरा ड्रीम था वो गाड़ी लेने का, वो गाड़ी का ड्रीम पूरा हुआ। इससे हटके थैंक यू, हमारी जॉब ख़त्म हो चुकी है, हाई स्कूल की प्रिंसिपल थी आप, उनकी जॉब रिजाइन करके हम लोग 3 साल हो चुके हैं। आज उनके पास टाइम है, मेरे पास टाइम है, ये एक फ्रीडम वाली बात है, आज़ादी वाली बात है। असली आज़ादी 15 अगस्त की आज़ादी को नहीं बोलते, असली आज़ादी यहाँ पे कम से कम ग्राउंड बने तो खुशबू मिलना शुरू होती है असली आज़ादी में, राइट? क्यों? आपके पास टाइम भी होगा, आपके पास पैसा भी होगा, तो आप अपनी ज़िंदगी अपने कंट्रोल के हिसाब से गुजार सकते हैं। ये ज़बरदस्त लाइफ है। आप सोचिए कि ज़िंदगी भर काम करते करते स्टिल ब्रोक रहना अच्छा है, मजबूर रहना अच्छा है, कुछ हासिल नहीं करना अच्छा है, या फिर 2 से 3 साल काम करके ज़िंदगी बेहतरीन बना करके हर चीज़ हासिल करना। चुनाव आपको करना है, ठीक है? थैंक यू वेरी मच। गुड इवनिंग, मेरा नाम सैयद जमालुद्दीन कादरी है और बाई क्वालिफिकेशन में एमसी और एमबीए करा हुआ हूँ और ट्रेडिशनल बिजनेसेस में हूँ, स्कूल से और दूसरे कुछ कारोबार है। उसके साथ साथ वेस्टेज बिजनेस बहुत पैशनेटली बिल्ड कर रहा हूँ। उसके कुछ कॉमन रीजंस हैं, बहुत सिंपल सा रीज़न ये है कि ये कॉमन सेंस का बिजनेस है। मुझे लगा कि ये कॉमन सेंस का बिजनेस है। आई एम श्योर जितने लोग अभी यहाँ बैठ करके प्रेजेंटेशन देख चुके हैं तो आपको भी लग रहा होगा कि कॉमन सेंस का बिजनेस है, राइट? और क्यों नहीं करना चाहिए, मुझे आप बताइए, क्यों नहीं करना चाहिए? कोई एक रीज़न आप बताइए, मैं 10 रीज़न बताऊंगा आपको करने के। खैर, तो कॉमन सेंस का बिजनेस है, करना चाहिए, तो मैंने कर लिया। दूसरा रीज़न मुझे करने का ये है कि जब मुझे बिजनेस दिखाया गया तो ये बताया गया कि आपको दुकान बदलनी है और दुकान बदलने से यानी प्रोडक्ट बदलने से अगर आपको पैसे आते हैं तो कौन बेवकूफ़ होगा जो दुकान नहीं बदलेगा, ऐसा मैं सोचा, राइट? आप भी सोच रहे होंगे कितने लोग ऐश्वर्या राय को ज़्यादा चाहते हैं और कितने लोग अपनी बीवी को ज़्यादा चाहते हैं। अभी आप हंस रहे हैं, अगर आप कपिल के साथ वाइफ हस्बैंड साथ आए हैं तो मैं वाइफ को बोलूँगा अगर कल इन्होंने अगर अपना प्रोडक्ट नहीं बदला और वेस्टीज पे नहीं आए, वेस्टीज के प्रोडक्ट्स नहीं लाए, तो शौहर लोग समझ जाइए कि वो अभी भी ऐश्वर्या राय को ज़्यादा चाहते हैं, ठीक है ना? अब चेंज हो जाएंगे, क्योंकि बात इतनी ही है, अगर आप लक्स इस्तेमाल करते हैं तो ऐश्वर्या राय को पैसे जाएंगे, अगर आप वेस्टीज का प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं तो आपकी बीवी के लिए आप सोना दिला सकते हैं, आपकी बीवी के लिए कुछ कर सकते हैं, राइट? बात इतनी ही है, फैक्ट यही है, राइट? सही है, सोना बोलते थालियों के बाद ज्यादा थी, बोलते सोना ही चाहिए ना भाई,
मैं तो वो फिर सुष्मिता सेन बोलेगी सोना कितना सोना है, बता नहीं उसको उतना सोना है, राइट। तो वैसे वाली बात है। और मतलब बेवकूफ भी होना चाहिए कोई कि अगर दुकान बदल करके पैसे कमाए जा सकते हैं और ना कमाए तो बेवकूफ होगा। और मुझे पक्का यकीन है इस हॉल में जितने लोग हैं अकलमंद है और यहाँ पे कोई भी बेवकूफ नहीं है, राइट। और हम उसके बाद मेरे को जो प्लान दिखाए थे उनका नाम कुलकर्णी सर है, उनके लिए एक बार जोरदार तालियों का हमारा। तीसरी बात मुझे समझ में आई, जैसे मैंने दुकान बदली कुछ किया नहीं था, महीने के आखिर में बिजनेस शुरू किया था, मेरे घर के लिए प्रोडक्ट्स लिए, तो महीना खत्म होते 280 रुपये का चेक आया मुझे, 280 रुपये का चेक आया। तो फौरी उठा के उनको कॉल किया, बोला 280 रुपये है, कुछ किया नहीं मैं भी। बोले दुकान बदले ना आपको आना चाहिए पैसे। तो बोला और पैसे आने के लिए क्या करना चाहिए। बोले कुछ अकलमंदों को आपकी तरह और कुछ अकलमंदों को आप ढूंढ लो, कुछ लोगों को जुड़ा लो इस बिजनेस में, तब जाकर के और पैसे बढ़ जाएंगे। उसी महीने जिस महीने मैंने काम किया, आप यकीन मानिए मेरा दूसरा महीने का असल चेक था 22,000 रुपए का। इसके बाद मैंने पलट के वापस देखे नहीं। अब आप एक बात बताइए मेरे को, आप सोच रहे होंगे कि बिजनेस मैन है 22,000 रुपए की अहमियत नहीं होगी, लिख के रखिएगा जिसके पास ज़्यादा पैसा है ना उसके पास पैसे की अहमियत ज़्यादा होती है, जिसके पास नहीं होता है ना उसके पास पैसे की अहमियत नहीं होती, करेक्ट। तो 22,000 रुपये जब आए तो बोला मेरी ज़िंदगी अगर 22,000 से बदल सकती है या 22,000 रुपये मायने रख सकते हैं तो एक आम आदमी की ज़िंदगी में भी बिल्कुल रख सकते हैं। तो वहाँ से हम शुरू हो गए, काम करते गए और आज हम यहाँ पर है, कई लोगों की ज़िंदगी बदल रही है। मुझे तो पता भी नहीं था कि ये बिज़नेस करने से कार मिलती है, मुझे तो ये भी पता नहीं था तब कि ये बिज़नेस करने से आपको हाउस फंड मिलेगा और घर मिलेगा। मुझे ये भी पता नहीं था जिसने प्लान दिखाया कि ये बोला कि आपको ट्रैवल फंड मिलेगा और आपकी ट्रैवल हो सकती है फ्री में। अब हम लोग जा रहे हैं मार्च में या अप्रैल में, आई डोंट नो, वेस्ट इंडीज डिसाइड करेगा, फ्री पेड थाईलैंड की ट्रिप को जा रहे हैं फैमिली। ये पता नहीं था फिर भी हमने चालू कर दिया बिजनेस। आपको पता चल चुका है ना, करेंगे यस, सवाल उतना ही है, राइट। क्यों करना चाहिए, करेंगे तो अमिताभ बच्चन की जिंदगी चेंज हो सकती है, आप बिजनेस करेंगे तो ऐश्वर्या राय की जिंदगी चेंज हो सकती है, ऐसा है क्या? किसकी जिंदगी चेंज हो सकती है? सवाल इतना है कि क्या आप अपनी जिंदगी बेहतर के लिए बदलना चाहेंगे? यस। करना चाहेंगे तो ये बिजनेस आपका है, अपलाइन की मदद लीजिएगा, लग जाइएगा, जुट जाइएगा और इस बिजनेस को कर दीजिएगा। अब आपको करना क्या है, इतने सब लोग सब बता दिए, करना क्या है वो मैं बोल देता हूँ। करना दो तीन काम है। सबसे पहला काम आपको ये करना है कि इस तरीके की मीटिंग जहाँ भी होती है, बड़ी मीटिंग जहाँ भी होती है, ऐसे 21 मीटिंग्स अटेंड करना है आपको। कितने? 21। अब 21 मीटिंग्स अटेंड करना है तो खर्चा भी होगा, राइट। तो अब आप कैलकुलेट करना शुरू कर दीजिएगा, 21 मीटिंग्स का 100 रुपये भी अगर 50 रुपये अगर टिकट होता है तो कितने होते हैं? 11 1050 रुपये, राइट। 1025 या 50 रुपये, राइट। 1000 रुपये हैं आपके पास अगले 21 मीटिंग्स अटेंड करने के लिए ऑन एन एवरेज, हैं मान लिए, राइट। अब 21 मीटिंग यानी 21 हफ्तों में 21 मीटिंग होगी तो कितने महीने हो जाएंगे? 3 महीने, 4 महीने। 4 महीने में इस बिजनेस में अगर आप 21 मीटिंग अटेंड करते हैं और जो मीटिंग में बताया जाता है उस मीटिंग से मोटिवेशन लेकर के अगर वो काम कर लेते हैं, मेरे हिसाब से मैं मेरे पहले महीने में 22,000 रुपये चिल्लर कमाया था। अब आपके लिए अगर मैं सोचता हूँ तो 10,000 भी सोचता हूँ 4 महीने बाद, कम से कम 10,000 भी अगर सोचता हूँ तो क्या वो 1,000 रुपये लगाना और 21 मीटिंग के लिए वक्त निकाल करके अटेंड करना वर्थ हुआ? यस। 10,000 रुपये एक्स्ट्रा अगर आपको आपकी नौकरी से कमाना है कितना टाइम लग जाएगा? 10 साल। 1 साल वेट करना पड़ेगा, 2 साल वेट करना पड़ेगा, उससे ज़्यादा वेट करना पड़ेगा इंक्रीमेंट के लिए। यहाँ पे आप 3 से 4 महीने में आप कमा सकते हैं, कर सकते हैं। Yes. दूसरा काम आपको करना है, ये मीटिंग में जब आप आते हैं तो एसोसिएट होते हैं लोगों से, राइट। इस तरीके की बड़ी मीटिंग्स में आना है। अब एक बेहतरीन मीटिंग होने वाली है, आप लोग लकी है, नए पुराने जितने लोग हैं मुझे नहीं मालूम, आप तो आएंगे ही आएंगे। आप अगर कुछ लोगों की ज़िंदगी बदलना चाहते हैं उनको भी लाइएगा। एक मीटिंग होने वाली है जिसमें आ रहे हैं आपके हमारे चीफ मेंटर, इंडिया के मेंटर, जो हज़ारों लोगों की ज़िंदगी बदल रहे हैं। उनका नाम है श्री एस पी भारत जी, श्री डॉक्टर एस पी भारत जी। वो एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं, इस बिजनेस में DUCD हैं, करीब 1 करोड़ रुपये महीना कमाते हैं विस्तृत से वो।
उनसे मिलना चाहेंगे? Yes. आप अगर चाहें तो उनसे बैकस्टेज जाके मिल सकते हैं। आप अपने डायमंड डायरेक्टर, आप अपने क्राउन डायरेक्टर से मिलिएगा, मिलके टिकट बुक करिएगा। उनसे एक करोड़ कैदमी से मिलने के लिए कितना टिकट लगाना चाहिए? 10,000 5,000 वेरी गुड, तालियां भाई के लिए। बट यहाँ मकसद उनको मिलाने से पैसे कमाने का नहीं है। यहाँ ये मीटिंग का मकसद, जो मीटिंग होने वाली है, उस मीटिंग का मकसद है कि अगर आप उनसे हाथ भी मिला लें, अगर आप उनको दूर से देख भी लें, अगर आप उनको दूर से सुन भी लें, तो आपकी ज़िंदगी में भूचाल आएगा, भूचाल यानी तूफान आएगा, और वो तूफान पॉजिटिव के लिए होगा, और वो आपकी ज़िंदगी आने वाले 6 महीने से 1 साल के अंदर बदल देगा। तो इसके लिए इस मीटिंग का नाम है, ये याद रखिएगा, ये मीटिंग का नाम थोड़ा हटके है, तो नाम याद रखेंगे आप तब जाके टिकट बुक कराएंगे ना, राइट? ये भाई 5,000 रुपये देंगे, बट हमें 5,000 नहीं चाहिए। इस मीटिंग का नाम है आउट ऑफ द बॉक्स, आउट ऑफ द बॉक्स यानी हटके सोच की, हटके कुछ सोचना चाहिए। देखिए, वो जो जिंदगी जी रहे हैं, आप क्यों पैदा हुए, क्यों जिंदा हैं और कब मर जाएंगे पता नहीं चलेगा लोगों को, मगर क्या आप चाहेंगे कि आपके पैदा होने का मकसद आप हासिल करें, कुछ लोगों की ज़िंदगी बदलें? अगर आप ये सब चाहते हैं तो उन लोगों के साथ जुड़ना होगा, उन लोगों को मिलना होगा, उन लोगों से बात करनी होगी जो ये कर रहे हैं ऑलरेडी, राइट? तो वो है एसपी पारेल जी। और इस मीटिंग को अटेंड करने के लिए, आउट ऑफ द बॉक्स मीटिंग हो रही है 5 फरवरी को। कब हो रही है? 5 फरवरी को, फरवरी को। और आप अगर जॉब करते, संडे आ रहा है ना, यस, जॉब करते तो छुट्टी लगा दीजिएगा 5 फरवरी को। अगर आप जॉब पे हैं तो छुट्टी लगा दीजिएगा, ये गवर्नमेंट जॉब वालों के लिए था, सबके लिए नहीं था, ठीक है ना? और टिकट कितना लगता है पता है? सिर्फ 3,000 रुपये उस टिकट का वर्थ है। यस yes. कितने लोग आना चाहेंगे 3,000 देके, 1 करोड़ के आदमी को सुन के? आने वाले 10 साल में शायद आप भी 1 करोड़ रुपये महीना कमाएंगे, हो सकता है, राइट? चलिए, हम आपसे 3,000 भी नहीं लेंगे, सिर्फ 300 रुपये लेंगे, मगर 300 रुपये इसमें भी ऑफर है। हम ऐसा 300 के लिए जो थालियां पा रहे ना जितने जने, हम ऐसे ही समाज बदल रहे हैं। yes. लोग होते होते 3,000 के लिए भी थालियां मारेंगे, एक दिन आएगा। yes. सिर्फ 3,000 ले रहे हैं, 30,000 महीना कमा रहे, 3,000 क्यों नहीं ले रहे, राइट? ऐसा होना चाहिए, सही है ना? तो 300 रुपये का प्रॉब्लम ये है कि वो टिकट ऑनलाइन है। 300 रुपये का प्रॉब्लम ये भी है कि वो 2 शोज हो रहे हैं, क्योंकि हैदराबाद बड़ा सिटी है और उनका टाइम कीमती है, तो श्री सत्य साई कल्याण मंडपम में 2 शोज, 2 प्रोग्राम हो रहे हैं, मॉर्निंग और इवनिंग। मॉर्निंग का शो फुल हो चुका है, बुक हो चुका है। इवनिंग शो शायद 4 बजे से और सही टाइम है, अपने लिए भी संडे है, बिरयानी विरयानी खा के आप आराम से 4 बजे सुनने के लिए आ सकते हैं, सोने के लिए नहीं, सुनने के लिए, सही है ना? तो 4 बजे के शो में कुछ टिकट्स बची हैं, तो मैं चाहूँगा आप जितने लोग आपके अपलाइन हैं यहाँ पे, उनको पकड़िएगा, टिकट मिले ना मिले, आपको अगर थिएटर में पिक्चर देखे कभी, वो कमांसा बोले थे ना, कपड़े फाड़ के करके, राइट? तो आपको टिकट होना रहा तो मेरे को नहीं मालूम, मैं दे दिया मैं पैसे, मेरे को नहीं मालूम, टिकट दे देना। तो वो सिचुएशन अभी चल रही है यहाँ पे, टिकट्स का शॉर्टेज है। आप अपने अपलाइन को 300 रुपये थमा दीजिएगा, अब उसके बाद उनकी जिम्मेदारी, वो जाने, विनिंग टीम जाने, आपको सीट देना पड़ेगा, ठीक है ना? तो टिकट बुक कर सकते हैं। yes! तीसरा काम आपको करना है, यहाँ से एक साल आप अपने सपनों को दे सकते हैं। एक साल करना क्या है मालूम? चाहे बिजनेस आपको होता हुआ लगे, ना होता हुआ लगे, ये बिजनेस चलता हुआ लगे, नहीं चलता हुआ लगे, किसके लिए? खुद के लिए। बिजनेस तो चल रहा है, लोग कमा रहे हैं, राइट? आप आउट ऑफ द बॉक्स मीटिंग में आएंगे तो आप देखेंगे लाखों के यू नो इनकम कमाने वालों को, राइट? तो ये आपके लिए चले या ना चले, होए या ना होए, आप हाई हो या लो हो, क्योंकि जिंदगी इसी का नाम है ना, उतार चढ़ाव का। तो ये बिजनेस में जब ऐसे उतार चढ़ाव आएंगे तो आप गिव अप नहीं करेंगे, इस बिजनेस को आप एक साल अपने लिए ट्राई करने का मौका देंगे, कर सकते हैं? yes. चाहे ये बिजनेस चले ना चले, आपके लिए एक साल आप इस मीटिंग्स में आते रहेंगे, आएंगे? yes. मैं वादा करता हूं, अगर आप ये 3 काम कर लेंगे आने वाले एक साल में, आपकी शानदार कार, जैसा आज हमारी प्रशांत जी की कार अनवीलिंग होने वाली है, ऐसी 12-15 लाख की गाड़ी आपकी हो सकती है, और मिनिमम 60 से 1 लाख रुपए के बीच आप कमा सकते हैं। अगर ये रिजल्ट आपको पसंद है, ये 2 चीजें, तो ये 3 काम कर दीजिएगा। अगर ये 2 चीजें पसंद है, कार चाहिए, yes. 60,000 से 1 लाख रुपए महीना एक्स्ट्रा चाहिए, yes.
आप कितने लाख ले, इतना आसान दिख रहा है ना, एक लाख बोल रहे हैं। आज भी रिसर्च बताती है कि 1% या 3% के अंदर लोग हैं पूरे हिंदुस्तान में जो 1 लाख या 1 लाख से ज्यादा कमाते हैं। यहाँ बैठे लोगों में देख लीजिएगा कौन, अगर मैं बोलूँगा शर्मिंदा हो जाएंगे, बट बताइए कितने लोग हैं जो 1 लाख या 1 लाख से ज्यादा कमाते हैं। नहीं मिलेंगे लोग, नहीं मिलेंगे। यहाँ पे आसान है ये बिजनेस, राइट। तो हम आपको बता रहे हैं ऐसी चीज जो आपको हिंदुस्तान के 3% में लाके खड़ा कर सकती है, हिंदुस्तान के 3% में, राइट। आना चाहेंगे? Yes. अगर ये आपको दो चीज पसंद है, यानी 1 लाख रुपए महीना और कार छमछमाती चाहिए 1 साल के अंदर, तो क्या ये 3 काम कर सकते हैं आप? Yes. पक्का? Yes. ये प्रॉमिस आपको अपनी बीवी है तो बाजू बीवी को, बच्चों को, अगर भी बच्चे साथ नहीं है आँख बंद करके आप उनको प्रॉमिस कर दीजिएगा। और अगर कल आपका पेस्ट नहीं बदला, साबुन नहीं बदला, तेल नहीं बदला, पत्ती नहीं बदली, शैम्पू नहीं बदला, तो इसका मतलब सीधा सीधा होगा आपकी बीवी शौहर को नहीं चाहती है, शाहरुख खान को चाहती है, अमिताभ बच्चन को चाहती है, और शौहर ऐश्वर्या राय को, ये ज़्यादा तकलीफ दे सेकेंड वाला, शौहर ऐश्वर्या राय को चाहता है, आपको नहीं चाहता है। तो कितनी हाउस वाइफ से हाथ उठाइए, प्रोडक्ट चेंज करा देंगी? नहीं नहीं, दिस मीन्स नो, दिस मीन्स यस। नहीं कराएंगे? Yes. करा सकते हैं, ये बिल्कुल मुमकिन है। आज जो अनमैरिड है क्या करेंगे? अगला सोच रहे हम तो बच गए। क्या आप अपने माँ बाप को चाहते हैं? क्या आप उनको माँ बाप को अपना अच्छा सुख देना चाहते हैं? Yes. तो उनके लिए आपको प्रोडक्ट बदलना पड़ेगा। और कोई खराब प्रोडक्ट नहीं है, लेट मी टेल यू, लक्स से अच्छा प्रोडक्ट है। ऐसा प्रोडक्ट है ये, हम अगर मैं साबुन की बात करूँ, अगर मैं साबुन की बात करूँ, लक्स तो सिर्फ झाग देता है। क्यों सिर्फ झाग देता है, मैं लिख के देता हूँ। ऐश्वर्या राय जिंदगी भर बोलते रह गई, मेरे सौंदर्य का राज लक्स, उसकी खूबसूरती का राज लक्स हो सकता है क्या? झूठ है। तो बचा क्या? साबुन। कुछ भी नहीं देता उन्हें, साबुन क्या देता? झाग देता। हमारा साबुन भी झाग देता है, झाग के साथ साथ चमचमाती हुई कार भी देता है। प्लस प्लस बीवी से मोहब्बत भी देता है, राइट। तो क्यों नहीं बदलना चाहेंगे? तो मैं हमेशा बहुत पहले बोलता था, जो करते हैं अपने बीवी बच्चों से प्यार, वो वेस्टिज से कभी नहीं करेंगे इनकार। थैंक यू सो मच, बैक टू द हॉल। थैंक यू, थैंक यू। अच्छा, इसके बाद बैठे रहिए, बैठे रहिए, बैठे रहिए, ठीक है। दो तीन अनाउंसमेंट्स है, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। एक तो जैसे अभी जमात सर ने बताया कि 5 तारीख का फंक्शन का टिकट अपने अपने अपॉइंट पर टच करिए, आज ही वो टिकट लेकर अपने अपॉइंट को अपनी फोटो भेजिए, आपकी फोटो डालिए कि आपने इसकी तैयारी कर ली है, और दिखा दीजिए जमाल भाई को कि टिकटों का शॉर्टेज करके दिखा दीजिए। Yes! Yes! Okay, उसके बाद नेक्स्ट अनाउंसमेंट है हमारा, जैसे विनिंग टीम, कितने लोग जानते हैं विनिंग टीम को? वाओ, तो विनिंग टीम के जो चीफ मेंटर है हमारे एसपी भाजी सर, उन्होंने सवाल किया है कि आप लोगों से पूछो कि कितने लोग जिसके एक प्रोग्राम है सीपी, कितने लोग सीपी पर हैं, हाथ उठाइए। ओके, वेरी गुड। और जो लोग नहीं है, जो लोग हाथ नहीं उठाए, उनका क्या है? उनके लिए आज मौका है, आज ऑफर है इसके ऊपर। जो लोग आज सीपी करेंगे सिर्फ उनको 499 में, सिर्फ 499 में आज उनका सीपी हो जाएगा, जो 1 साल तक हर वो टाइप का स्पीकर मिलेगा आपको, जो ऐसे स्टेज पे आए थे, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, तो आप हर एक को सुन सकेंगे ऐसे सीपी में। ओके, और तीसरा अनाउंसमेंट है हमारा, इसी हॉल में 12 फरवरी को वेस्टिज की तरफ से एक हेल्थ एंड वेलनेस प्रोग्राम किया जा रहा है जो फ्री रहेगा। अपने अपने अप्लाई से लोकेशन ले लीजिए, और जो लोग वाकई में सीरियस है, कभी शादी में घर से निकलते हैं तो बीवी बोलती है देखो जी वही तीसरी शादी में पहन रही यही साड़ी, तो उसके लिए शर्म आने की बात है, तो फंक्शन रहेगा तो हम एक नई साड़ी ले सकता क्योंकि पैसा कमा के। ओके, दैट इज गुड ग्राउंड, थैंक यू। कार वहाँ चलिए,